नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चीन की राजनीतिक व्यवस्था के सामाजिक और आर्थिक आधार। अब तक हमने बच्चों पढ़ा ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान के बारे में, उसके सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं पढ़ी या सामाजिक और आर्थिक आधार या पृष्ठभूमि पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे चीन के संविधान की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि। चीन, जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व का ऐसा देश है जो साम्यवादी देश है। सोवियत संघ के विघटन के बाद चीन विश्व का सबसे बड़ा साम्यवादी देश है, इसलिए चीन की राजनीतिक व्यवस्था अन्य देशों से थोड़ी अलग है और उसके पीछे उसकी आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि भी कार्य करती है। तो चीन की राजनीतिक व्यवस्था हम देखें तो एक साथ लोकतांत्रिक भी है और केंद्रवादी भी है, क्योंकि लोकतंत्र के आधार पर वहाँ केंद्रवाद है और केंद्रीयकरण के अंतर्गत वहाँ पर लोकतंत्र संचालित होता है। तो इस प्रकार चीन की राजनीतिक व्यवस्था को समझने से पहले हम उसके सामाजिक और आर्थिक आधार पढ़ेंगे। चीन एशिया महाद्वीप का सबसे विशाल जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला देश है। चीन प्राचीन सभ्यता पर आधारित एक ऐसा देश है जिसने कि विभिन्न क्षेत्रों में अपना विकास किया। चीन की जो व्यवस्था है वो उसकी अधिकांश उसकी जो जनसंख्या है, जो विशाल जो व्यापक जनसंख्या है, वह चीन के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। और सबसे बड़ी बात यह कि चीन के इस विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या ने चीन को युद्ध और विस्तारवादी नीति को अपनाने के लिए प्रेरित किया है हमेशा, और विश्व राजनीति में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए चीन हमेशा प्रेरित होता रहा है। तो चीन की स्थितियों को हम देखें तो चीन एक बहुजातीय बहुराष्ट्रीयताओं वाला देश है जिसमें हान या चीनी जाति की प्रमुखता है। पूरे देश की जनसंख्या का लगभग 93% भाग हान जाति का है और चीन में अन्य जातियाँ भी है, जैसे मंगोल हुई, तिब्बती, कोरियन, मंचू आदि, ये सब जातियों की वहाँ पर विभिन्नताएँ विद्यमान हैं। फिर भी इनमें भाषा संस्कृति संबंधित एक रूपता हम देख सकते हैं। इस तरह की जातिगत विभिन्नताएं चीन की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत पूर्ण सांस्कृतिक स्वायत्ता के साथ चीन के संविधान में एक साथ मिलकर योगदान करती है। तो इस प्रकार चीन जो है एक ऐसा देश है जो विभिन्नताओं से परिपूर्ण है। भारत के समान चीनी लोगों का व्यवसाय भी कृषि है, क्योंकि चीन की 75% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। चीन में अन्य खनिज पदार्थों का भी काफ़ी बाहुल्य है। चीन विश्व के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों में अपनी स्थिति को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। चीन, जैसा कि हमने पढ़ा, एक साम्यवादी देश है, इसलिए चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो राज्य के नियंत्रण में है या उस पर राज्य का नियंत्रण है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हम देखें तो चीन ने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है। आज विश्व में चीन ऐसा एकमात्र साम्यवादी देश है जिसने अपनी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करते हुए आज मुक्त व्यापार की नीति की ओर चीन आगे बढ़ पड़ा है और उसने अपनी अर्थव्यवस्था को काफ़ी सुदृढ़ और मजबूत कर लिया है। इस तरह हम देखें तो आज चीन का जो सिद्धांत है वह यह है कि चीन एक देश और दो दर्शन वाली विचारधाराओं पर चलता है या उसका प्रतीक है। राजनीतिक क्षेत्र में चीन साम्यवाद पर चलता है और आर्थिक क्षेत्र में चीन बाजार अर्थव्यवस्था पर चलता है, यानी कि चीन की अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र व्यापार या मुक्त व्यापार की नीति की ओर चीन आगे बढ़ा और उसने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। तो इस प्रकार हम चीन के आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को समझेंगे और उसके आधार पर हम ये देखेंगे कि कैसे चीन में जो एक क्रांतिक व्यवस्था है वो किस प्रकार साम्यवाद पर आधारित है। साम्यवाद के कठोर सिद्धांतों और आदर्शों पर चीन की राजनीतिक व्यवस्था आज भी आधारित है। तो सबसे पहले हम चीन की सामाजिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। सामाजिक व्यवस्था में बच्चों, चीन प्राचीन सभ्यता का नेतृत्व करने वाला है। प्राचीन सभ्यता के रूप में
एक ऐसा देश माना जाता है जिसके ऊपर प्राचीन सभ्यता का प्रभाव है। और अब से तब से लेकर अब तक चीन ने स्वतंत्र रूप से अपना विकास किया है। चीन में कई महान दार्शनिकों का जन्म हुआ। चीन का जो समाज है वो प्राचीन साहित्य, दर्शन और धार्मिक परंपराओं पर आधारित रहा है। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस भी चीन का ही था, जिसने एक आदर्श समाज की रचना पर बल दिया। और अक्टूबर 1950 में चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई माओ ज़ेडुंग के नेतृत्व में, उसने चीन में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की। तब से चीन की समस्त व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। माओ ज़ेडुंग लेनिन और मार्क्स के विचारों से बहुत प्रभावित था और हर जो वस्तु का आधार था उसके लिए संघर्ष था, संघर्ष को वह विकास का महत्वपूर्ण आधार मानता था। तो इस प्रकार माओ ज़ेडुंग ने चीन में एक साम्यवाद की जो नींव रखी, उसने आगे चलकर चीन में मजबूत स्थिति को प्राप्त किया। तो इस प्रकार चीन के विभिन्न ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने कि चीन में साम्यवाद को मजबूत बनाने में योगदान दिया। तो चीन की साम्यवादी, चीन की समाजवादी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में हम पढ़ेंगे, जो है सबसे पहले है विविध राष्ट्रीयताएँ। चीन में अनेक प्रकार की राष्ट्रीयताएं हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जातीय राष्ट्रीयता हान है, वो समस्त चीन में फैली हुई है और अन्य जातियों से अधिक समृद्ध है। चीन में अन्य जातियां भी हैं, चुआंग, मंगोल, हुई, तिब्बती, मंचू, थाई, कोरियन वगैरह। तो प्राचीन काल से ही चीन एक समाज प्रधान, एक धर्म प्रधान देश रहा है। और उस आधार पर हम देखें तो चीन ने, चीन के व्यक्ति जो है वो धर्म को उस नज़रिए से नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके लिए धर्म जो है एक अफीम की तरह है, जो उन्हें अपने विकास से या संघर्ष से दूर रखता है। तो चीन के जो समाज में जो जो जात जो विभिन्न जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, उन सभी जातियों को सांस्कृतिक स्वायत्ता प्रदान की गई है। सभी जातियां अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, साहित्य, कला आदि का प्रचार प्रसार करते हैं। और चूँकि चीन में समाजवाद है, साम्यवाद है, इसलिए अपनी भाषा, साहित्य और कला का प्रचार प्रसार करना वहाँ साम्यवाद के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। दूसरी विशेषता, परिवार का महत्व या परिवार की स्थिति। चीन में परिवार का महत्व रहा है, या चीनी समाज परिवार प्रधान समाज रहा है, जिसमें पुरुषों का जो है वो प्रधान स्थान रहा है या महत्व रहा है। परिवार का उसे मुखिया माना जाता था, उसका प्रमुख कार्य था कि अपने परिवार के सदस्यों की सेवा करे। तो इस प्रकार विवाह, परिवार जैसी संस्थाओं का चीन में बहुत महत्व था। और उस समय हालांकि हम देखें शुरू में प्राचीन सभ्यता में चीन में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी या सम्मानजनक नहीं थी, लेकिन 1950 में साम्यवादी क्रांति का प्रभाव चीन में परिवार नामक संस्था पर पड़ा और उस साम्यवाद के बाद चीन में स्त्रियों को शोषण से मुक्ति मिली और उनको पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया, स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान काम के अवसर दिए गए। तो इस प्रकार चीन की अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था को सुदृढ़ करने में स्त्रियां अपना योगदान दे रही है। तीसरी विशेषता है शिक्षा व्यवस्था। चीन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि चीन में साम्यवाद है, इसलिए साम्यवाद के आदर्शों का प्रचार प्रसार करने के लिए चीन में शिक्षा के प्रचार प्रसार को महत्वपूर्ण माना गया। क्योंकि चीन में सरकार का यह मानना है कि देश के नवयुवकों को साम्यवादी विचारों में डालने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार जरूरी है, इसलिए चीन में शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण है। सरकार तकनीकी व्यवहारिक शिक्षा का प्रचार करती है और उपलब्ध कराती है अपने देश की जनता को। इस प्रकार चीन में विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, साहित्य के क्षेत्र में चीन काफ़ी विकास कर रहा है और इस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में चीन बहुत आगे है। चीन में प्रौढ़ शिक्षा को भी काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखें चीनी समाज अधिकतर साक्षर है, जिसका प्रभाव वहाँ की शासन व्यवस्था पर पड़ा है। चौथी विशेषता है सांस्कृतिक जीवन। चीन के संविधान का मुख्य उद्देश्य हम देखें तो वहाँ की जनता का सांस्कृतिक विकास करना है, ताकि
साम्यवाद के प्रचार प्रसार में वहाँ की जनता अपना योगदान दे और उनमें पूंजीवाद की भावना का प्रचार प्रसार नहीं हो। तो इस प्रकार चीन में समाजवादी और साम्यवादी संस्कृति का विकास करना वहाँ की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। चूँकि चीन में साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, तो वहाँ पर सांस्कृतिक जीवन को, उत्सवों को, त्यौहारों को मनाने का काफ़ी महत्व है। लोग मनोरंजन को बहुत महत्व देते हैं। वहाँ पर 1 जनवरी को नववर्ष का त्यौहार मनाया जाता है। लोग विभिन्न राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं और एक साथ इकट्ठा होकर उसका अपने आपको वो एक सांस्कृतिक रूप से एक साथ जोड़ते हैं। तो इस प्रकार सांस्कृतिक जीवन का या सांस्कृतिक विभिन्न तरह के जो त्यौहार है, जो मनोरंजन है, उसका चीन के समाज में काफ़ी महत्व है। 5वीं विशेषता, सेना की भूमिका। हम देखें तो चीन के समाज पर सेना का बहुत महत्व है, बहुत प्रभाव है। आधुनिक चीन में जो राजनीति है वो वहाँ की सेना के इर्द गिर्द घूमती है। तो चीन में लंबे समय से सेना का प्रभाव रहा है और साम्यवाद की स्थापना के बाद चीन में पूर्ण रूप से चीन के समाज और वहाँ की राजनीति पर, शासन व्यवस्था पर सेना का महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव है। चीन में शत्रुओं या अपने जो बाहरी दुश्मन हैं उनका सामना करने के लिए सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और सेना पर हम देखें तो महत्वपूर्ण साम्यवादी नेताओं का एकमात्र अधिकार है। जो महत्वपूर्ण सेना के जो पद होते हैं उस पर साम्यवादी नेताओं का अधिकार है। और चीन में जो सांस्कृतिक जो क्रांति हुई उस समय भी सेना ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस प्रकार हम देखें तो चीन में जो साम्यवादी दल का जो प्रभाव है, उस साम्यवादी दल का जो एक छत्र वहाँ पर जो राजनीति, समाज, सेना पर एकमात्र जो आधिपत्य है वह यह सिद्ध करता है कि चीन के समाज में, राजनीति में, शासन व्यवस्था में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद।